बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है। शी जिनपिंग तीसरी बार बन सकते हैं राष्ट्रपति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 9 करोड़ सदस्यों के बीजिंग पहुंचने के आसार भी हैं। अधिवेशन की कवरेज के लिए 2500 मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से तीसरी बार अब बन सकते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आपको जानकारी दें कि आज बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन है और शी जिनपिंग तीसरी बार बन सकते हैं राष्ट्रपति, और इसकी कवरेज के लिए लगभग 2500 मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। आया 16 अक्टूबर, चीन में विद्रोह भयंकर। होगी तीसरी ताजपोशी या छिनेगी कुर्सी, चलेगी तानाशाही या चीन में तबाही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए 16 अक्टूबर का यह रविवार बेहद खास है। बीजिंग के ग्रेट हॉल में सुबह 10 बजे से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस बैठक शुरू होगी। कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में 9 करोड़ सदस्य जुड़ेंगे। इस मेगा इवेंट को कवर करने के लिए 2500 पत्रकारों को बुलाया गया है, जिनमें 750 विदेशी पत्रकार हैं। लेकिन पूरी दुनिया की नजर राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर है, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब चीन कई चुनौतियों से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में है, ताइवान से तनातनी चरम पर है, साउथ चाइना सी में अमेरिका से टक्कर चल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 5 साल बाद हो रही कांग्रेस में जिनपिंग के विरोधी उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे या जिनपिंग तीसरी बार कामयाब हो जाएंगे। प्रबल संभावना यही है कि जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाएगा। 69 साल के जिनपिंग आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। जिनपिंग को साल 2012 में राष्ट्रपति बनाया गया था। तब नियम यह था कि 2 कार्यकाल यानी 10 साल बाद राष्ट्रपति बदल जाएगा, लेकिन जिनपिंग ने साल 2018 में 2 कार्यकाल का नियम बदल दिया था। जिनपिंग की शातिर चाल, पीएलए हुई लाल, पलट दिया संविधान, सीपीसी पर कमान। संविधान में बदलाव करने के बाद जिनपिंग माओ से तुंग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। जिनपिंग अभी महासचिव के रूप में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति के रूप में वो चीन के राष्ट्राध्यक्ष हैं। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से वो चीन के सैन्य बलों के कमांडर हैं, लेकिन इस बैठक के बाद उनकी ताकत और बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिनपिंग चीन को किस तरफ ले जाएंगे। जानकार मानते हैं कि जिनपिंग चीन के सबसे बड़े नेता माओ के नक्शे कदम पर चलेंगे। तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने पर जिनपिंग अधिनायकवाद की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। माओ के राज में चीन पूरी तरह अधिनायकवादी व्यवस्था पर टिका था। जिनपिंग अगर चीन की डगमगाती अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाते हैं तो चीन में उनके खिलाफ विद्रोह भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के बिजली संयंत्र पर दागी मिसाइल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कीव के सबसे बड़े बिजली संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। और राजधानी कीव में बिजली पानी काटने से की रूसी चाल सामने आ चुकी है। रूसी मिसाइल हमले में बिजली संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब यूक्रेन के बिजली संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया गया है रूस के सैनिकों की तरफ से। 7 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच ये महायुद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक मिसाइलें दागे जा रही हैं और दोनों ही देशों के सैनिक आमने सामने हैं। ना रूस पीछे हटने को तैयार है, ना ही यूक्रेन। और देखिए किस तरीके से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को लेकर किस तरीके से आक्रामक रुख अपना लिया है, और इसी पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। रिपोर्ट देखिए। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इससे जुड़ी हुई। यूक्रेन को
जी हाँ, ये बड़े और अहम जानकारी आपको बता दें, यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की नई खेप जो है वो बरामद हुई है। आपको जानकारी दे कि लगभग 72.5 करोड़ डॉलर के हथियार देगा अमेरिका। जर्मनी ने भी यूक्रेन को दिए हथियार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हूँ। जर्मनी की चाल से पुतिन भड़के हैं, पुतिन ने नाटो देशों को देख लेने की धमकी भी दी है। तो आपको जानकारी दें कि यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की नई खेप मिलने वाली है, लगभग 72 करोड़ डॉलर के हथियार देगा अमेरिका। यूक्रेन पर रूस का रॉकेट प्रहार जारी है, राजधानी कीव से लेकर लबीव तक त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन अब यूक्रेन ने भी पलटवार का फैसला कर लिया है। अमेरिकी हथियार से यूक्रेन करेगा प्रहार, 72.5 करोड़ डॉलर लुटाया, पुतिन को चिढ़ाया, बाइडेन की शातिर चाल से पुतिन हुए लाल। नाटो की बैठक के बाद अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 72.5 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त हथियार और सैन्य सहायता देगा।